ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम शांति शांति शांति। तो हमने अभी तक भाट प्रदीपिका और गिरण संहिता ये दो टेस्ट कर लिए जो हमारा बेस है। बेस का मतलब मैं यूं कहूँ कि अठ प्रदीपिका को हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया और गिरण संहिता में भी हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि ये दोनों फैमिलियर बुक्स है हमारे लिए, है ना। हर बच्चा इसको पढ़ता है सिलेबस में, अगर वो मास्टर करता है तो इन दोनों को जरूर पढ़ता है, बाकी चाहे पढ़े ना पढ़े इन दोनों को पूरी डिटेल में हम कोशिश करते हैं पढ़ने की सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसलिए हमने उस पर सबसे ज्यादा टाइम दिया और मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आसन के लाभ हानि आदि है वो वहीं से आते हैं हठ प्रदीपिका और गिरण संहिता से मोस्टली, है ना, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज्यादा आसन अथवा प्राणायाम आदि की बात की जाती है, मुद्रा आदि की बात की जाती है। बाकी हठियों के टेक्स्ट है उनमें इतनी ज्यादा इन चीजों की बात नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट, हठ प्रदीपिका और गिरण संहिता से ही बेस बनता है। बेस माने कि जो हमारा जैसे महाभूत आदि की चीजें हैं, मुद्राओं की बात है ना, किस मुद्रा से कितने लाभ हैं, विशेष रूप से नादा अनुसंधान आदि समाधि के प्रकार सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट अगर हम बात करें तो यहीं पर डिस्कस किए गए हैं और अन्य बुक्स में मतलब मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं, क्लियरिटी नहीं रहती किसी भी चीज के बारे में। इनमें दोनों में क्लियरिटी है, हठ प्रदीपिका और गिरण संहिता में, ये भी है। और दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक जितने भी पूछे गए इन दोनों ही टेक्स्ट से पूछे गए, हालांकि ऐसा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, कभी कभार आगे पीछे भी हो जाती है, परंतु मोस्टली एवरेज देखें तो हठ प्रदीपिका और गिरण संहिता। 2017 जनवरी में पेपर हमारा शुरू हुआ था नेट जेआरएफ का होना, है ना, जनवरी से, तब से लेकर के 2020 तक जून जिसको बोल दे या नवंबर आप बोल दें, है ना, 5 नवंबर को हुआ था, जून में जो होना था, तो ये इतने तक जो भी पूछे गए पेपर सभी पेपर्स में हठ प्रदीपिका और गिरण संहिता यहीं से प्रश्न आए हैं, तो वो हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और उनके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है वो भी हमने कोशिश की उन्हीं को साथ साथ में करने की। कुछ PYQ रह चुके हैं तो पूजा जी ने जैसा कि हमें सलाह दी थी सर कि ठीक है हम जैसे जैसे क्लास चलेगी उसके बीच बीच में कर लेंगे, है ना, पूजा जी ने सर वो आपके पोर्टल से कर लिया आज सर। अच्छा, वहां से कर लिया ठीक। तो चलो कोई बात नहीं, पूजा जी फिर भी आपकी जो आपने सलाह दी थी उसका तो, है ना, स्वागत है, वो करेंगे हम आज, है ना, जिन बच्चों ने नहीं किया वहां से उनके लिए। तो डिस्कस कर लें कि आप हमारे लिए भी कुछ नई चीज निकल के आ जाए, है ना, कोई नया क्वेश्चन बच्चा पूछता है तो उससे मुझे भी, मैं भी अलर्ट हो जाता हूँ कि इस एंगल से भी कोई चीज बनती है। तो अब शुरू करते हैं शिव संहिता, सबसे पहले परिचय देखते हैं, उससे पहले बच्चे सारे आ चुके, एक प्रश्न है सभी के लिए। तो जैसा कि पूजा जी ने कहा था कि सर गिरण संहिता के प्रश्न जरूर करवाना हमें, है ना, जो रह गए PYQ, तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसके आगे वाले क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में आया हुआ है। इस प्रश्न का ऑप्शन देंगे आप जल्दी से, कूट में से देंगे, देखो यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ से देख करके देखते हो सर, बोल के बता दिया ये सिंपल, है ना, परंतु क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं ना इधर नीचे, तब थोड़ा सा क्वेश्चन का जो रूप है ढंग है वो बदल जाता है, है ना, उत्तर देने का स्टाइल, और यही हमें आना है, आना चाहिए। ये तो देखो किसी को भी आ जाएगा, नीचे वाला ये तरकीब भी आनी चाहिए, और यही टाइम कंज्यूमिंग होती है वहां पर, और यही चीज हमारी क्वेश्चन को गलत करवाती है। तो ये चीज आपको जैसे एग्जामिनर चाहता है उसी फॉर्म में आपको आंसर देना, शुरुआत से ही सीखना है, पहले ही दिन से, चाहे आप घर बैठे कर रहे हैं प्रैक्टिस तब भी यहीं से ऐसा ही हमें सीखना है, है ना। तो 4 ऑप्शन सभी ने दिए, तो आहाद्रव्य पथ्य पूछे हैं, पथ्य में नवनीत हमेशा ही पथ्य रहता है प्रत्येक बुक के अनुसार, क्योंकि मैंने बता दिया दूध और दूध से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें से दही और लस्सी माने खट्टे को निकाल दीजिए दूध में से, है ना, वो बाकी जितनी भी चीजें सारी सारी कहते खानी चाहिए, दूध भी है, दूध नवनीत और घृत ये खाने योग्य है, तेल और तक्कर माने लस्सी इनको मना किया जाता है, 2 और 3 जहां भी होगा वो मेरा ऑप्शन ठीक होगा, तो माने 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और मैंने प्रश्न का उत्तर बनाना आपको सिखा दिया, जो नए बच्चे हैं वो फिर ध्यान देंगे कि आप जब नीचे कूट दिया रहता है ना तो इसमें से डायरेक्ट न देखें, सबसे पहले कूट अपना यहीं पर बनाए, हमेशा आदत डालें कूट मेन प्रश्न में से बनाए, नीचे बस इतना देख लीजिए के रूप में छांटने हैं, 3-3 के रूप में छांटने हैं, अब 2-2 चीजें ही चाहिए आपको हमेशा, तो 2 के रूप में देख लीजिए कि दूध और दूध से बने पदार्थ 2 ही हैं, 2 और 4 जहां पर भी हो वो ठीक होगा। तो अब कूट में आइए और अब अपना 4 नंबर को ठीक कीजिए। यहां पर ये क्वेश्चन देखने में आसान लग सकता है, परंतु बहुत से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए नियम बहुत ज्यादा कामयाब है, वहां पर आपको काफी हेल्प मिलती है इन चीजों से। तो चलिए आगे शुरू करते हैं फिर आज का शिव संहिता। शिव संहिता के मुख्य लेखक जो है अज्ञात है ना, इसके मुख्य लेखक हमें कहीं नहीं मिलते, परंतु इसमें जो स्टोरी है वो भगवान शिव
माता पार्वती को बता रहे हैं, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ने शायद ये पुस्तक लिखी है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु इसमें एक फिर दिक्कत आ जाती है कि जब से पहला श्लोक है जो मंगलाचरण जिसको हम बोलते हैं, माने प्रथम बार नमन करते हैं, तो उस श्लोक में प्रथम बार आदिनाथ को ही नमन कर देते हैं, भगवान शिव को ही। तो वो भगवान शिव को भगवान शिव तो अर्पित करेंगे नहीं अपनी ही बुक अपने आप को, तो ऐसा सोच भी लिया जाता है कि उनकी ये बुक नहीं है, परंतु फिर है किसकी, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए मतलब इसके लेखक जो है अज्ञात है पूर्ण रूप से, या तो इसके लेखक हम कह सकते हैं भगवान शिव को ही, अदरवाइज इसके अज्ञात है, कोई इसका नामो निशान हमें नहीं देखने को मिलता एग्जैक्टली, है ना। तो हाँ, इस ग्रंथ में कितने अध्याय है, कितने लेसन है, कितने चैप्टर है, बिना किसी विवाद के 5 चैप्टर है। बिना विवाद के मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरिटी से 5 ही प्रकरण है, 5 पटल कहे गए हैं, ठीक है। शिव संहिता की खासियत पटलों में बांटे गए। तो इसमें पटलों में क्या क्या चीजों की चर्चा की गई है, 5 पटल है, 5ों पटलों में मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए किस चीज की चर्चा कहां पर हुई है। प्रथम पटल की बात करें तो लय प्रकरण है, जिसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड, पंच तत्वों की विवेचना हुई है। पंच तत्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक हमने पंच तत्वों का न तो हठ प्रदीपिका में कहीं एक्सप्लेनेशन देखा अच्छे से, गैरेंट संहिता में देखा। हालांकि धारणा के समय गैरेंट संहिता में मैंने अपनी तरफ से आपको इंट्रोडक्शन दिया था पंच तत्वों का, कि ऐसे ऐसे हम इमेजिन करते हैं 5 तत्व ऐसे होते हैं, परंतु बुक में कहीं भी आपको गैरेंट संहिता में या हठ प्रदीपिका में 5 तत्वों की उत्पत्ति क्रम अथवा उनकी तन्मात्राओं से रिलेशन आदि ऐसा नहीं डिस्कस किया गया था। तो ये कहां पर मिलती है, किस ग्रंथ में मिलती है हमें, शिव संहिता में। तो एक प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है आपसे, पहला प्रश्न, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तेज गति से तो मुझे टोक सकते हैं, है ना, तो मैं धीरे हो जाऊंगा, और मुझे लगता है कि मेरी गति सामान्य है, क्योंकि जब अकेला बैठ करके बोलता है ना व्यक्ति तो थोड़ा ऑटोमेटिक ऐसे रफ्तार बन जाती है ना, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि 5 पटल हैं, 5 पटल हैं, उनमें से पहला पटल है उसमें पंच तत्व की विवेचना, माने पंच तत्वों पर अच्छे से डिस्कशन किया गया है कि कौन से तत्वों की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से अगला तत्व पैदा होता है, किसकी क्या तन्मात्रा है आदि आदि ऐसे डिस्कशन किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मित्रों कि आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पंच तत्वों का उत्पत्ति क्रम निम्न में से किस ग्रंथ में बताया गया है। हालांकि कुछ और ग्रंथ भी हैं, आगे आएंगे उनमें भी बताया गया है उत्पत्ति क्रम, परंतु एक तत्व एक ग्रंथ उनमें से शिव संहिता भी है, तो ये शिव संहिता को देखेंगे, याद रखेंगे। हठ प्रदीपिका और गैरंड में नहीं है, तो सपोज ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए हठ प्रदीपिका गैरंड संहिता, है ना, या कुछ और एक्स वाई जेड, एक कोई भी ऑप्शन मिलेगा, तो उनमें से शिव संहिता में तो पक्का पंच तत्वों का उत्पत्ति क्रम बताया ही गया है। हम पूरी बुक को पढ़ेंगे तो उस बुक में जो जो खासियत होगी वो आप याद रख लेंगे, अलग से मत लिखना अभी लाइन से भी पंच शिव संहिता में ये बताया गया, केवल इस चीज को आप लिखना चाहे तो 5 पटलों के रूप में देख लिख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगी वो लिख देना। मुद्राएं हैं, मुद्रा वाले पार्ट में आपको कुछ और मिलेगा, है ना, भोग रूप पटल है, पंचम पटल है, इसमें अगर आपको षट चक्र वर्णन या कुछ और आपको इंपॉर्टेंट जो लगे, मेरे हिसाब से जो चीजें थी इंपॉर्टेंट यही थी, परंतु यूजीसी मेरा हिसाब नहीं देखेगी, वो आपका भी हिसाब देखेगी, है ना। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कोमा लगा के इसमें कुछ भी लिख देना, ताकि आपको याद रहे कि इस पटल में ये चीज का वर्णन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि बताइए कि गुरु की महिमा जो है किस पटल में बताई गई है, शिव संहिता में, तो तृतीय पटल में बताई गई है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, इनका ध्यान रखेंगे। हाँ, हाठियों के ग्रंथ में वरुण जी, है ना, अभी मैं बता रहा हूँ शिव संहिता एक ही है, परंतु अगर हम आगे देखेंगे तो SSP जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें भी पंच तत्वों का उत्पत्ति क्रम बता रखा है। तो हठयोगी टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उनमें से केवल और केवल आपके 2 ही ग्रंथ है जहां पर पंच तत्वों का उत्पत्ति क्रम आपको बताया गया है, उत्पत्ति क्रम हठयोग के जो सिलेबस में आपके ग्रंथ है उनमें 2 ही ग्रंथ है शिव संहिता और SSP माने सिद्ध सिद्धांत पद्धति, 2 बुक टेक्स्ट है जहां पर 5ों तत्वों का उत्पत्ति क्रम बताया गया है और उनका किस रूप में हमारे शरीर में स्थान है आदि आदि उस रूप में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है ना। तो 2 ही ग्रंथ है, हालांकि SSP हम बाद में करेंगे तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे, जिसमें से 99% चीजें समझने वाली न होकर के SSP की सारी सारी रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, SSP सिद्ध सिद्धांत पद्धति की। हाँ, फरीद आलम जी बहुत बढ़िया, यूजीसी हिसाब देखती नहीं, हिसाब सबका लेती है यूजीसी, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो प्रथम पटल में क्या बात की हमने, लय प्रकरण, कर्मकांड, ज्ञान कांड, पंच तत्वों का चर्चा की गई विवेचना। दूसरे की बात करें तो तत्व ज्ञान उपदेश, जिसमें नाड़ी वर्णन मतलब कितनी नाड़ियां हैं शरीर में और कुंडलनी आदि की चर्चा की गई है। तीसरे पटल में प्राण प्रकरण की महिमा बताई गई है, सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है, पथ्य अपथ्य मिताहार की बात की गई है, नाद की अवस्थाएं बताई गई है ना, अलग तरीके से बताइए थोड़ा सा,
जैसे अट प्रदीपिका हमने देखी सरल रूप में, वैसे नहीं, थोड़ा सा कठिन रूप में बताइए। प्रत्याहार और आसन, वह हम आगे डिस्कस करेंगे। पर चतुर्थ पटल की बात करें तो मुद्रा प्रकरण, जिसमें मुद्राएं बताई गई है। पांचवें पटल में भोग रूप विघ्न प्रकरण, माने विघ्न का वर्णन किया गया। और छह चक्र जो माने जाते हैं, हठ योग में षट चक्र संज्ञा दी जाती है। सप्त चक्र या अष्ट चक्र संज्ञा नहीं दी जाती, षट चक्र की संज्ञा दी जाती है। तो छह चक्र बताए गए हैं पांचवें पटल में, ये भी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे ग्रंथ के अंदर थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला ही श्लोक है, कहता है एकम ज्ञानम नित्यम आदि अंत शून्यम। एकम ज्ञानम नित्यम आदि अंत शून्यम, कहता ज्ञान ही है एकमात्र जो कहता आदि और अंत से रहित है। कहता वो जिसकी शुरुआत नहीं हुई और जिसका अंत भी कभी नहीं हो सकता, ज्ञान ही सत्य बताया गया है। ठीक है, नित्य किसको माना गया है? तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, इस श्लोक के माध्यम से शिव संहिता में किसको नित्य माना गया है? पूछ लेंगे ईश्वर को, है ना, परमात्मा को, ब्रह्म को या ज्ञान को? तो सटीक आंसर क्या है इसका? ज्ञान आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, नित्य किसको माना गया है? ज्ञान को नित्य माना गया है, जिसको कहते हैं इसके अलावा कहते दूसरी वस्तु है ही नहीं, यही सब कुछ है ना। कहते ज्ञान से ही सब कुछ दिखता है, इंद्रिय उपाधि आदि भेद से रहित है। इंद्रिय उपाधि मतलब इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता जो, है ना, इंद्रियों इंद्रियातीत है और उपाधि से भी रहित है, माने उसकी कोई उपाधि नहीं दे सकते हम। कि ज्ञान जो चीज रियल में है उसको हम ज्ञान भी कह रहे हैं ना, तो कहते वो रियल में हम उपाधि दे दी उसको। उपाधि मीन्स कोई भी पद देना, कोई भी उसको संज्ञा देनी। संज्ञा दे दी मीन्स हमने कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफी कर दी, हम उसको कोई संज्ञा में नहीं बांध सकते। इसलिए ऋषियों ने आगे हम देखेंगे नेति नेति शब्द मिलता है, कहता उस परम तत्व के लिए कहता नेति नेति वर्ड प्रयोग होता है, न या न वो, है ना। कहता जो तुम बोल रहे हो वो भी नहीं और जो तुम नहीं बोल पा रहे वो भी नहीं, कहता उससे भी परे है वो परम तत्व। और कुछ लोग अलग वर्ड यूज करते हैं, भगवान कुछ कहते नहीं, ईश्वर कुछ कहते नहीं, ब्रह्म कुछ, गॉड कुछ अलग, अल्लाह कुछ अलग अलग, एक्स वाई जेड, है ना, अनेक नाम। तो ऐसे ही ज्ञान के लिए भी कह दिया, कहता जो परम ज्ञान है ना उसके लिए संज्ञा जरूर दी है ज्ञान, परंतु वो इंद्रिय और उपाधि दोनों भेदों से रहित है। किसे कहा गया इंद्रिय उपाधि भेद से रहित? परम ज्ञान को। ठीक है, सब चीजों से परे है। तो नेक्स्ट प्रश्न, ये 2020 में आया, इस बार 2020 में क्वेश्चन आईडी आप अगर मिलाना चाहे पीडीएफ में तो ये पीडीएफ आईडी है इसकी, है ना, और ये हम करवा चुके हैं। पूजा जी को इसका आंसर अच्छे से पता है, शीला जी आपको भी पता होना चाहिए इसका आंसर, सभी बच्चों। ईशा जी वाह बहुत बढ़िया, राकेश कुमार जी, तेजेंद्र जी, प्रियंका जी, सारे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अजीत नरवाल जी, सुमन नरवाल जी, इनका सही नाम। अभिलाषा झा बहुत ही अच्छा, आप तो शायद पहली बार क्लास में आए फिर भी बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। पूजा जोशी जी आपका तो कहना ही क्या। ओके ठीक है, सरिता जी आपका गलत आंसर है, ठीक है आंसर देना सीखिए। ठीक है, सुखदेव जी बहुत ही बढ़िया, सुखदेव जी संस्कृत के बहुत अच्छे महान है ना जानकार है, तो इनसे मैं संस्कृत सीख भी रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये सिखाते भी हैं। गेरंट संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? आदरणीय सरिता जी बहुत ही आंसर दिया अच्छा, है ना, शालिनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये इस बार पेपर में आया था और बहुत से बच्चों को नहीं आया था, तो बहुत बड़ी बात है ये नहीं आया था जिनको, बाकी सभी बच्चों को आ गया था जिन्होंने पढ़ा था, इस पर ध्यान दिया था। शक्ति चालनी का अभ्यास करना चाहिए, हमने पढ़ लिया अच्छे से। और योनि मुद्रा की अगर और बात करें तो इसमें आया था कि ब्रह्म हत्या, सुरापी मतलब सुरापान करने वाला, और भ्रूण हत्या, ऐसे कहते हाँ ठीक है, इस तरीके के घोर पाप करने वाला भी कहता योनि मुद्रा करने से क्या हो जाता है, छुटकारा पा लेता है, मतलब मुक्त हो जाता है योनि मुद्रा का अभ्यास। और योनि मुद्रा रियल में अगर करने के हिसाब से हम देखें तो कैसी थी, षणमुखी मुद्रा के समान, षणमुखी मुद्रा के समान। तो यहां से मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार षणमुखी मुद्रा का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ जब से मैं योनि मुद्रा का डिस्कस किया है, क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि गेरंट संहिता के अनुसार वह मुद्रा कौन सी है जिसमें नाक को, कानों को, है ना, अपनी क्रमशः अनामिका, मध्यमा आदि के द्वारा बंद कर लिया जाता है, उस मुद्रा का नाम बताएं, ऐसे पूछ लेंगे आपसे, तो वो योनि मुद्रा है, जिसे हम व्यवहार में तो कहते हैं षणमुखी मुद्रा, है ना, परंतु रियल में गेरंट संहिता में वर्ड क्या है वहां पर, योनि मुद्रा। अगर आपको ऑप्शन दोनों भी मिले ना कि गेरंट संहिता के अनुसार बताएं, षणमुखी भी मिलेगा योनि मुद्रा भी मिलेगा, तो भी आप किस पर डिस्कस करेंगे, टिक करेंगे योनि मुद्रा को टिक करेंगे गेरंट संहिता में, क्योंकि है ना। बहुत ही बढ़िया किरण जी, किरण जी बहुत ही बढ़िया, हाँ हाँ बोल, ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है,
जान, ठीक है। मेरी मिस्टेक है, मेरे उच्चारण में थोड़ी सी समस्या है, मैं ठीक कर रहा हूँ इसको, ठीक है किरण जी। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम। किरण जी आप पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बताया वो योनि के लिए सर, यहाँ सर योनि योनि के लिए आपने क्षण बताया ना कि क्षण मुद्रा, पर क्षण षटमुखी, कुंभक और क्षण मुद्रा, मतलब ये वाली बात तो मेरे को, मतलब क्षण हाँ कुंभक का, क्षण कुंभक जिसे बोला जाता है सर, षट वो तो कुंभक किसे? आपने क्षण मात्र, जैसे क्षण मात्र क्षण मात्र कुंभक का कुंभ। जिसमें, ओके 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 ओके, ठीक है। क्षण मात्र, अक्षण, जी सर, अक्षत्रिय वाला क्षण है ना, क्षण मात्र कुंभक जिसमें लगता है, वो कौन सा था? वो कुछ कुंभक को, कि क्या नाम था, क्या नाम था पूजा जी? सर जिसमें आप, सर जिसमें आप, जिसमें हमारा क्षण मात्र कुंभक लग रहा है, शीतली सर, शीतली था शायद से तो, गैरेंट संहिता में शीतली ही है ना। हाँ अब बोलो क्या हाँ कह जी। रहे हो। हाँ बोलो। तो सर यहाँ पे ये वाला, इसमें आपने एक क्षण की बात बताई ना, इसमें योनि मुद्रा में, क्षण नहीं, क्षणमुखी, षटकोण, अच्छा क्षणमुखी सर, तभी मैं कंफ्यूज हो गई, मेरे को ये कहाँ बताया था आपने, क्ष अण है ना, मैं को उ की मात्रा, ख को बड़ी ई की मात्रा, षणमुखी मुद्रा हम इसको व्यवहार में बोलते हैं ना, ऐसा सुना है ना कि अब हम करेंगे षणमुखी मुद्रा। तो हम क्या करते हैं उस समय, अपने कानों को बंद करते हैं अंगूठों से, है ना, अनामिका से, सर तर्जनी से। ये सब्जेक्ट सब्जेक्टिव बता रहे हो ना आप, ये क्षणमुखी हाँ मुद्रा, हाँ 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 ये उसमें समझाने के थोड़ी हिसाब बात से, है है, ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया। ये मुझे लग रहा था कि, है ना, सागर जी को भी समझ में नहीं आया था, सागर जी मुझसे पूछ रहे थे आज दिन में, है ना, तो कई बार समझ में नहीं आता है, बहुत किया आपने पूछ लिया। ठीक है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही किरण जी को। किरण जी एक्यूरेट योगा पर टिक कीजिए, या फिर वापस आप एक बार स्किप कीजिए इसको, फिर से रीज्वाइन करिए लिंक के माध्यम से, अपने आप दिख जाएगी स्क्रीन, है ना। ठीक है आगे चले। तो हाँ शिव संहिता की बात ही कर रहे थे हम। शिव संहिता में बताया हमने कि ज्ञान ही नित्य है ना, जो आदि और अंत से रहता है, यही डिस्कस किया है अभी तक। दूसरी फिर बात आती है, कहते कर्म के ऊपर डिस्कस किया, कहते कर्म जो है ना मुख्य रूप से तीन प्रकार से होते हैं, है ना। मेन अगर देखे तो हम कहते कर्म कांड और ज्ञान कांड वेदों में दो प्रकार के हैं। वेदों में दो काम है, कहते एक तो कर्म कांड है ना, कर्म आधारित, एक ज्ञान कांड, ज्ञान पर आधारित है ना। कर्म कांड दो प्रकार से होते हैं, एक तो करने योग्य है, एक न करने योग्य है। जिनको हम क्या दे देते हैं, जिनको करना है उसको तो हम क्या कहते हैं, विधि, है ना, और जिनको नहीं करना है उनके लिए निषेध यूज करते हैं। कर्म में, कर्म कांड में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो निषेध, एक विधि। निषेध मतलब जिनको नहीं करना है, अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, पाप, है ना। और विधि कहता करना ही करना है, इसको करने से कहते हैं पुण्य मिलता है, करने योग्य। और विधि जो है, ये तीन प्रकार के कर्म बताए जाते हैं। ये कौन से होते हैं, नित्य, जो कि हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, जैसे शौच आदि, स्नान आदि, ये नित्य कर्म हो गए। नैमित्तिक, कोई पूजा विशेष आदि किसी अवसर विशेष पर करना, है ना, कोई दिवाली आदि पर, लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पर, है ना, इस तरीके के जो करते हैं हम, तो वो नैमित्तिक हो गए कर्म। और सकाम कर्म जो हम करते हैं फल प्राप्ति के मद्देनजर, है ना, मुख्य रूप से फल हमारा प्रधान रहता है इसमें, तो जितने भी कर्म होते हैं फल प्रदान, सारे सारे सकाम होते हैं। तो तीन कर्म बताए गए हैं यहाँ पर, नित्य, नैमित्तिक और सकाम, तीन कर्म बताए गए हैं, तीनों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर देखिए ज्ञान कांड की बात करें, तो ज्ञान कांड में कहा है कि पुण्य कर्मों से कहते स्वर्ग और पाप कर्म से नरक की प्राप्ति होती है, कांड में बता ही दिया। और नित्य नैमित्तिक कर्मों में आसक्ति को त्याग करके कहते योग में प्रवृत्त होना चाहिए, कि मैंने अनासक्त भाव से कर्म करने हैं, नित्य कर्म करने हैं, नैमित्तिक भी करने हैं, ठीक है, परंतु इनको करना कैसे है, अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से मतलब इनमें फल की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, अगर इनमें फल इच्छा रहती है नित्य और नैमित्तिक दोनों में, है ना, तो ये सकाम बन जाते हैं ये कर्म। हाँ कर्म कांड को समझ करके तब पुण्य पाप आदि को त्याग करके योगी को कौन से कर्म करने चाहिए, ज्ञान कांड। तो अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, कहते शिव संहिता में मुख्य रूप से वेदों के अनुसार कितने कर्म बताए गए हैं, कहते कर्म, ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के कितने भेद किए गए हैं, तीन भेद किए गए, कौन कौन से, विधि और निषेध, दो प्रकार के हो गए कर्मकांड, जिनमें से विधि के तीन भेद बताए आगे, नित्य, नैमित्तिक और सकाम कर्म, तीन बताती है, ठीक है, ये प्रश्न बन गया एक। अब वैदिक, सॉरी शिव संहिता के अनुसार साधक को किस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, कर्मकांड में, ज्ञान कांड में, ए और बी दोनों,
इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन आ गया। तो किस में कहा है प्रवृत्त होने के लिए? ज्ञान कांड में प्रवृत्त होने के लिए कहा है। कहते कर्म कांड को समझ लीजिए, पुण्य पाप को त्याग करके किस में त्याग कर्म होना है प्रवृत्त है? कहते ज्ञान कांड में प्रवृत्त होना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान कांड में प्रवृत्त होने के लिए यहाँ पर बात कही है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना शुरुआत में ही, बेस किसको मान के चला? कहते ज्ञान ही है जो नित्य और अनादि और अनंत है, मतलब अंत रहित है, जिसके आदि नहीं है अंत भी नहीं है, जिसका ज्ञान को माना है। तो कहते ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो ये आप, है ना, सभी को समझ करके। नेक्स्ट है फिर प्रश्न, राखी जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभिलाषा जी बहुत अच्छा, अभिलाषा जी आप पढ़ते रहेंगे पहले, बहुत अच्छा। अभिलाषा जी आज शायद दूसरी या पहली क्लास में आए हैं, इसके बावजूद बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है अभिलाषा जी आपको, कभी आपसे क्लास दिलवाएंगे बच्चों को, है ना, अगर बच्चों ने हाँ की तो पक्का आपकी क्लास, आप टीचर बन के क्लास देना कभी, हमारे भी काम आएगी कभी। ठीक है, तो गैरेंट संहिता के अनुसार कपाल भाति की बात करें हम, तो भाति के कितने प्रकार थे? तीन प्रकार थे, डिस्कस कर लेते हैं, जिन बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो, है ना, कौन कौन से थे? शीत कर्म, अब ये ध्यान रखें शीत कर्म है, शीतली नहीं है, शीत कर्म, व्युत कर्म। शीत कर्म में क्या होता है? मुंह से पानी लेते हैं, नासिका से निकाल लेते हैं। और व्युत कर्म में क्या करते हैं? नासिका से पानी लेते हैं, मुख से निकाल देते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको, ये पूछा जा सकता है कपाल भाति का वह कौन सा प्रकार है जिसमें मुख से लेकर के पानी नासिका से निकाल देते हैं, है ना। तो नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता होगी या ट्रिकी क्वेश्चन होगा, एग्जाम में इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, आप भूल जाएंगे, है ना, इजी से इजी दिमाग ज्यादा सोचने लग जाता है। अंधेरे में क्यों डरते हैं? क्योंकि दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा सोचता है, ऐसे एग्जाम में हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता होता है वो भी छूट जाता है। तो यहां से ध्यान रखेंगे, शीतली प्राणायाम जैसे करते हैं हम, मुंह से श्वास लेके नासिका से छोड़ते हैं, ऐसी शीत क्रम में मुंह से पानी लेके नासिका से छोड़ते हैं, ये ट्रिक याद रखेंगे। और व्युत क्रम में उल्टा काम करने, माने नासिका से लेना है पानी जो हम कभी लेते नहीं है, उल्टे तरीके से, है ना, नासिका से लेकर के मुख से निकाल देना है। और तीसरा कौन सा था? वात क्रम था। ये तीन क्रम है कपालभाति के प्रकार। और अब पूछा क्या है रियल में, गैरेंट संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं, पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव नहीं पूछा। तो हैं कौन से हैं? तो एक तो व्युत्क्रम आपका होना चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो व्युत्क्रम है और शीतक्रम है, बाकी ध्यान देंगे यहाँ पर वात क्रम है ना, वात क्रम और वात सार दोनों में अंतर है, ठीक है, वात क्रम और वात सार। वात सार किसका है? वात सार अंत धोती का एक प्रकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सर ये जो आपने शीतक्रम लिखा है और जो क्वेश्चन में शीतक्रम, ये दोनों में क्या फर्क है लिखने में क्रम में? आदरणीय सरिता जी, श्लोक पढ़ते हैं, बताइए। है ना, गैरेंट संहिता में श्लोक पढ़ते हैं, तो वहां पर संस्कृत में ऐसे लिखा गया शीत क्रमीण, है ना, ये लिखा गया, परंतु जब हिंदी में लिखते हैं तो शीत कर्म माने कार्य, है ना, शीत कर्म, हम क्रमेण, इन्होंने कहा है कि शीत क्रमेण माने मुख से श्वास लेके इस क्रम से करें, क्रमशः, दोनों का अर्थ अलग अलग है वैसे तो, परंतु जब हिंदी में हम लिखते हैं कर्म बताना है क्योंकि, तो कौन सा कर्म माने कौन सा काम? कहता शीत काम, है ना, कपाल भाती का शीत काम करना, मतलब शीत कर्म वाला काम करना है, ठीक है। तो अंतर इतना ही है, क्रम का मतलब सीक्वेंस होता है, वैसे क्रमशः जो लिखते हैं वो है, श्लोक में क्रमेण वर्ड आया है इस तरीके से जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइट है श्लोक के अनुसार, गैरेंट संहिता में जो यहाँ लिखा है ऑप्शन में ए, ये बिल्कुल राइट है गैरेंट संहिता के श्लोक के अनुसार। परंतु जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में शीत क्रम ऐसे नहीं लिख करके, शीत क्रम ऐसे लिखते होते हैं, कर्म ऊपर ना, मैं के ऊपर रह लगाते होते हैं, ठीक है, इन्होंने एज इट इज श्लोक के अनुसार लिख दिया, ये भी ठीक है। अगर ये कर्म लिखा होता जैसे मैंने लिखा है हिंदी में तो भी ये ठीक होता, ठीक है सरिता जी, ठीक है जी। ओके धन्यवाद। तो व्युत्क्रम ये संस्कृत वाले लिख दिया एज इट इज, है ना, ए और डी दो होने चाहिए, तो ए और डी ऑप्शन नंबर टू में है, जिनका सभी ने उत्तर बहुत अच्छे से दिया है। तो ममता जी स्क्रीन नहीं दिख रही, तो आप कृपया एक बार फिर से स्किप कीजिए, वीडियो को कट कर दीजिए, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिए, और फिर किसी चीज को टच मत करना, ऑटोमेटिक आपको स्क्रीन दिख जाएगी। और पूजा जी वॉइस ठीक है? ये सरिता जी जब बीच में बोल जाते हैं तो वॉइस खराब हो जाती है, माफी चाहूंगा पूजा जी, माफी पूजा जी,
अब से सरिता जी को बोलने नहीं देंगे हम, ठीक है पूजा जी? ठीक है, संसार के बारे में कहते हैं, संसार जो है ना तीन रूपों में दिखाई देता है ना, कहता एक अरि मित्र उदासीन, अरि मित्र उदासीनम है ना, स्त्री विधम स्याद इदम जगत, कहते ये जगत जो है तीन प्रकार से कहते जानना चाहिए। अरि माने कोई दुश्मन होता है इस संसार में, हमारे लिए जो चीजें नहीं मिलती है ना, हमारी प्राप्ति के साधन नहीं है, रोड़ा बनती है, कहते वो दुश्मन रूप में, अरि मतलब दुश्मन है ना। रिपु का अर्थ भी दुश्मन होता है, ठीक है। तो गैरेंट संहिता में रिपु किसे कहा गया है, क्या याद है? क्या रिपु किसे कहा हार में गया सर आया था, प्रत्याहार में आया था, कामादहिपु, काम कहां? क्रोध लोह मोह ओ मदमात्सर्य, ओ वाह, क्या मदमात्सर्य। बात है, ओ बच्चे क्या बात है, बच्चा भी बता रहा है। सरिता जी कह रहे हैं, पूजा जी एग्री भी हो गई है, एग्री है हर चीज में। तो भाई अब सरिता जी को जब बोलने नहीं गुरु देंगे, मान कभी भी कुछ हो जब जाए, गुरु पूजा मान जी ने कह लिया दिया। तो देखना ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। फिर होते रहना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ध्यान दोगे, मैं प्रश्न इस रिगार्डिंग नहीं पूछ रहा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि रिपु जो है काम आदि को बोला गया, काम आदि रिपु नाशनम प्रत्यार में आया था। बहुत अच्छी आपकी जो पकड़ है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत खुशी हुई जिसने बच्चे ने उत्तर दिया, शायद प्रियंका तोमर जी ने दिया हुआ है आंसर, क्योंकि यस सर, यस ओ सर। वाह। प्रियंका जी आप महाराष्ट्र से हैं क्या? नहीं सर, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, आपकी आवाज है ना हमारे महाराष्ट्र से, ज्योति पाटिल जी है एक कक्षा में, तो हाँ सेम जी, वैसी ही है, मिलती जुलती। ओके सर। अच्छा, हाँ आपके बच्चे ने सही आंसर दिया पूजा जी, बहुत बढ़िया। पूजा जी तो खैर है ही है ना, तो जो हमेशा से ही आंसर बार बार थोड़ी नाम लेते हैं। तो प्रियंका जी ने आंसर दिया, ठीक है। एक मैं इसी रिगार्डिंग बात पूछ रहा हूँ, एक बात आई थी आपको, कहती नास्ति माया समम पाप है ना, माया क्या है सबसे बड़ा पाप, ये बताई थी, पाप है। ऐसे ही सबसे बड़ा आपका रिपु किसे कहा गया, दुश्मन किसे कहा गया है, जो हमारा चौथा श्लोक था ना गैरेंट संहिता की शुरुआत में, वहां से पूछ रहा हूँ। ये जो जवाब अहंकार दिया, को सर। हाँ जो ये जवाब दिया ना काम आदि रिपु, वो सही था, बिल्कुल सही था, प्रत्यार के संदर्भ में उन्हीं को कहा गया है रिपु है ना। यहाँ पर अहंकार को रिपु माना गया गैरेंट संहिता में, तो मिलान करना आएगा तो वो मिलान याद रखेंगे। सबसे बड़ा पाप माया को कहा गया, गैरेंट संहिता की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा रिपु माने शत्रु जो है अहंकार को बोला गया है, सबसे बड़ा बंधु माने मित्र जो है किसको बोला गया है, ज्ञान को, ज्ञान और को, सबसे बड़ा बल जो है श्रेष्ठतम बल वो है योग, योग। योग बल, ठीक है। तो ये बात आई थी, तो ये अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तो अरि मित्र और उदासीन, इन तीन प्रकार से संसार जो है हमें दिखाई देता है, प्रिय और अप्रिय के आधार पर, मतलब जैसे हम व्यवहार करते हैं, जो हमारे लिए प्रिय वस्तु है वो मित्र हो जाते हैं, जो हमारे लिए प्रिय अप्रिय है वो दुश्मन की फॉर्म में आ जाते हैं, और ऐसी चीजें जिनको हम जानते ही नहीं है, जो हमारे लिए कुछ लेना देना ही नहीं है, वो उनके प्रति हम उदासीन रहते हैं, है ना। जैसे अभी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है ना, जो बाइडेन बनाया या कुछ बनाया राष्ट्रपति, हमसे क्या लेना देना है पर्सनली, अगर व्यक्तिगत देखे तो। हाँ सरकार के लेवल पर वो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां उनको देखना है पूरे देश को। तो लाइट ठीक है, सरिता जी अहंकार ही है, देखो कहते मुझे पसंद नहीं, सरिता जी अहंकार मत करो, टूट जाता है अहंकार। पूजा जी दे रहे हैं लाइट, तो ले लीजिए चुपचाप है ना, जी अहंकार त्याग दो, अच्छी बात नहीं, मुझे पसंद नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे इसको, और पूजा जी कहेंगे सर ये कल क्वेश्चन करवा दिया था, माफी चाहूंगा पूजा जी, आज फिर से आ गया ये क्वेश्चन है ना। हाँ जी आंसर दीजिए जल्दी से, बलकरण जी तुसी भी आंसर कर दो, ऐदा बलकरण सिंह जी भी पंजाब से हैं है ना, पंजाबी बोलते होते हैं, मुझे पंजाबी सिखा रहे हैं, तो मैं कई भाषाओं का ज्ञाता बन जाऊंगा धीरे धीरे है ना, सर्वज्ञ बनना चाह रहा हूं मैं भी। तो चलिए, तीन आंसर आया है आप सबका, आर्यन वशिष्ठ जी, बिंदु शर्मा जी उर्फ ना, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, अजीत नरवाल जी, सुमन जी, सुमन जी आपको तीन भी नहीं लिखना आया क्या? तीन लिखना तो सीख लो, आप कब सीखोगे? शीला जी बहुत बढ़िया भाई, तीन आंसर सभी एक साथ एक का कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा राकेश जी, तीन आंसर। तो मैं ये बताना चाह रहा था, कल एक प्रश्न पूछा था जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, 2017 का जो प्रश्न आया था, सेम आया था ना कल, और ये कब आया है, ये जुलाई 2018 में आया, यूजीसी ने अपने ही प्रश्न को थोड़ा सा एडिट करके सेट किया था, जो 2017 में पूछा गया था वो रॉन्ग क्वेश्चन था,
2018 में पूछा गया, वो यूजीसी ने सही तरीके से पूछा था। तो ध्यान योग जो है अगर हम देखें तो किससे होगा, शांभवी से होगा। ए का तीन होना चाहिए, अगर ए तीन किसमें, केवल इसी में है, बस यही होना चाहिए। बाकी का थोड़ा सा हम हल्का फुल्का मिला के देख लेते हैं। नाद योग जो होता है केचरी से, बी का वन होना चाहिए, है ना, सॉरी नाद योग जो होती है भ्रामरी से, बी का फोर होना चाहिए, है ना। रसानंद जो है खेचरी से, सी का वन होना चाहिए। और डी की बात करें लय सिद्धि की, तो वो योनि मुद्रा से होता है हमेशा ही, तो डी जो होता है होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा आंसर है सभी का ठीक है, बहुत ही आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा तीन जो है ये इसका राइट आंसर होगा सभी बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया। आगे इससे पहले हम कुछ और बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पंच तत्वों पर, है ना, कुछ नई चीज सीखते हैं कुछ। तो सभी बच्चों को पता है ना, सरिता जी ने पिछली बार ये कक्षा में करवाया था तो सभी को अच्छे समझ में आया। मैं वही तरीके से आप सबको समझाऊंगा पंच तत्वों को, है ना। पंच तत्व नाम लेते हैं हम, जिन्हें हम कई बार पंच भूत बोलते हैं, पंच महाभूत बोलते हैं, कहीं कहीं पर सूक्ष्म भूत लिखेंगे, कहीं पर महाभूत। उसके पीछे भी कारण है बहुत बड़ा, सरिता जी ने पिछली बार डिस्कस किया था, 2 घंटे खा गए थे वो, है ना, बच्चे क्लास छोड़ के चले गए थे, तो इसलिए हम उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। खैर वो दर्शन जब आएगी वहां पर अगर चर्चा हुई तो वहां करेंगे। तो आज केवल पंच महाभूत या पंच तत्व, हम पांच के रूप में जानते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पंच तत्वों में बात करें तो सबसे पहले उत्पत्ति जो होती है, कहते ब्रह्म थे, कहते उन्होंने अपने हाथ से कहते जादू किया और 5 चीजों को पैदा किया, जिसके कारण से हमने क्या नाम दे दिया, प्रपंचात्मक, प्रपंचात्मक जगत कहते। जगत जो है प्रपंचात्मक है ये, प्रधान, प्र मतलब प्रधान, पंच माने पांच, आत्मक माने पंचात्मक, मतलब 5 चीजों से बना हुआ जगत, प्रधान 5 से बना हुआ है ये जगत प्रपंचात्मक, है ठीक है। आज कोई नहीं जाएगा इसलिए तो सरिता जी को मैंने बोलने नहीं दिया आज क्लास से, है ना, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, अब अगर सरिता जी बोले तो फिर सारे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना प्रीत जी, इसलिए सरिता जी को बोलने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पर, ठीक है। और सरिता जी ने जो है ना, मुझे लाइटर चीजें पसंद नहीं, उनके अहंकार को हम तोड़ेंगे, ठीक है पूजा जी, अहंकार इतना ठीक है, तो अहंकार नहीं रहा किसी का भी, सरिता जी छोड़ दो, त्याग दो अहंकार। तो 5 तत्वों की बात कर रहे हैं, 5 तत्वों से पहला कौन सा है तत्व, आकाश। कहते सबसे पहले ना सृष्टि में आकाश तत्व है, आकाश तत्व मानो सबसे पहले कमरा बनाया, कहते भगवान ने खाली स्थान बनाया, मतलब खाली स्थान ऑब्वियस ही बात है जरूरी है, आकाश का मतलब आसमान या स्काई से नहीं है, जिसको हम बोलते हैं है ना ऊपर देखते हैं नीली छतरी, वो नहीं है ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आकाश जो होता है खाली स्थान, ब्लैंक, ईथर जिसको हम बोल देते हैं ठीक है। आकाश को इंग्लिश में स्काई नहीं बोलेंगे, तत्व के रूप में ईथर बोलते हैं ठीक है। ये बात करें आकाश के बाद में, या आकाश को आकाश से ही डिनोट कर देते हैं, ए के ए एस एच, ऐसे ही बाकी सभी तत्वों को भी ऐसे। तो आकाश होता है सबसे पहले खाली स्थान आया, खाली स्थान में कहते फिर आगे क्या है आकाश के बाद में, वायु तत्व आया दूसरे नंबर, क्रम उत्पत्ति क्रम है ये, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आए इससे बहुत बार, आदरणीय पूजा जी, आदरणीय शीला जी, आदरणीय प्रियंका तोमर जी, और बहुत ही महान विद्वान अन्य सभी प्रकार के, है ना, अरे किरण बेदी जी, गुंजन जी वगैरह वगैरह सभी, है ना, 27 बच्चे, नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा, अंत में ले दूंगा सभी का नाम, तो कोई बच्चा शिकायत नहीं करेगा कि मेरा नाम नहीं लिया जाता। अगर किसी को शिकायत है तो कृपया मुझे मैसेज कर देंगे, मैं पक्का नाम लूंगा उसका पूरी क्लास में, ठीक ओके। आकाश सबसे पहले आया, दूसरे नंबर पर वायु आई, वायु मीन्स नॉट एयर, नॉट एयर, फिर मैं बोल रहा हूं नॉट एयर, वायु मीन्स जो भी गतिमान है ना, गतिशील, मूवमेंट है ना, जो भी उस खाली स्थान में चीज हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, मैंने दिक आदि है ना, मूवमेंट, चंचलता जिसका हम करते हैं, कहते वो चीजें आई है ना वायु तत्व, ऐसा कोई एलिमेंट आया। थर्ड नंबर पर वायु के बाद में कहते अग्नि तत्व है ना, कि जो भी चीज है कहते उसमें मूवमेंट होगी, और जितनी मूवमेंट होगी, 2 हाथ ले लीजिए अपने हाथों को आपस में मूव कीजिए रगड़ करके, जितना मूव करेंगे उतना घर्षण होगा, मतलब फ्रिक्शन होगा और गर्मी होगी, माने अग्नि माने टेम्परेचर, तापमान है ना, टेम्परेचर को डिनोट करने वाली कोई चीज आई, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो कैसा भी हो, अग्नि तत्व। अग्नि का मतलब नॉट फायर है ना, फायर मतलब जो जलती हुई है ना, लकड़ी से जला रखी है वो वाली फायर नहीं है ठीक है। अग्नि तत्व माने हर चीज में ही अग्नि तत्व है, आपकी रिजर्व
रखे उसमें भी अग्नि तत्व है, कपड़े पहन रखे अग्नि तत्व, आपकी चमड़ी है, आपका खून बह रहा है आपकी रगों में, उसमें भी अग्नि तत्व है। मीन्स टेम्परेचर, चाहे वो कम है ज्यादा है कितना भी है, टेम्परेचर डिनोट करेगा किसी भी चीज का वो, ठीक, अग्नि तत्व। फोर्थ नंबर पर इस चीज को अच्छे से समझेंगे जीवन भर के लिए, आकाश वायु अग्नि, उसके बाद में क्या आया, कहते जल तत्व आया। जल तत्व, आकाश वायु अग्नि और जल तत्व आया। जल सर, अभी आपने बताया ठंडा या गर्म दोनों को अग्नि तत्व मानेंगे, ठंडे को भी मानेंगे सर? बिल्कुल, ठंडा किसके अकॉर्डिंग होता है, आपके अकॉर्डिंग होगा ना ठंडा। आप कह रहे हो सर आज 8 डिग्री टेम्परेचर है, आपको ठंड लग रही है, परंतु जो व्यक्ति 4 डिग्री टेम्परेचर में लिख रह रहा होगा वो 8 में आ गया तो उसको तो गर्म ही लगेगा, समझ रहे हो। जो एक बैक्टीरिया ऐसा है जो 4 डिग्री में जिंदा रह सकता है, और 8 क्या है, दुगुना टेम्परेचर है, मान उबल जाएगा वो तो मर जाएगा, है ना। जी, तो थैंक यू सर। ये हमने हमारे लिए डिनोट कर रखे हैं कि 4 डिग्री भी हमें ठंड लगनी चाहिए, हमारे लिए ये ऑब्वियस सी बात है, तो नेचुरल है, लगता ही फिनोमिना। बट अग्नि तत्व की बात कर रहा हूं, फिर मैंने बताया कि हम अग्नि मींस फायर अथवा आग को नहीं समझते यहां पर, महाभूतों की बात करें, तत्वों की बात करें, सूक्ष्म तत्वों की। जैसे मैं कहूं FE, केमिस्ट्री में अगर बात करें हम, है ना दिशांत जी, तो FE का मतलब क्या होता है, फेरिक होता है, मतलब लोहा, है ना। तो यहां पर मैं ये लोहे की पत्ती की बात नहीं कर रहा जो आपके पास में है, मैं किस बात पर, किस किस लेवल पर बात कर रहा हूँ, जो आपका तत्व है, एलिमेंट है, जो बिल्कुल ही छोटे लेवल पर हम बात करते होते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें एटम है, परमाणु आदि, इस लेवल पर बात कर रहा हूँ। हालांकि उसका बड़ा रूप तो वही लोहे की पत्ती है ना, वायु का भी बड़ा रूप क्या है, यही है एयर जो आपके आसपास से गुजरती है, परंतु मैं सूक्ष्म स्तर पर जा रहा हूं, जहां पर कहते ब्रह्म ने सृष्टि बनाई थी, 5 तत्व बनाए थे, वहां पर जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां से बात कर रहे हैं, तो अग्नि मीन्स जो भी टेम्परेचर को डिनोट करेगी, जो भी चीज, और हर वस्तु का एक टेम्परेचर होता है निश्चित, कुछ भी है चाहे वो, है ना, इवन कि आपके कमरे के अंदर हल्की वायु भी है ना, उसका भी टेम्परेचर हम नापते होते हैं, कहते हैं वायु इतनी गति से इतना टेम्परेचर बनाए, आपके आसपास की लाइट आदि, कपड़े, हर चीज का टेम्परेचर होता है। जल, जल मतलब लिक्विडिटी, क्योंकि है ना, मैं ये इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ना इनको नाम से ही छोस लेते हैं कि जल मतलब कहते पानी पीने वाला, है ना, वो वाला जल। तो जल मतलब लिक्विडिटी का प्रतीक, कि हर जो भी वस्तु लिक्विड फॉर्म में है वो जल तत्व प्रधान है, प्रधान। आपको जो भी दिखाई दे, घी दिखाई दे रहा है आपको आसपास में, है ना, लिक्विड है मतलब जल तत्व प्रधान है, दही है जल तत्व प्रधान है, पानी WH2O जिसको हम बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा जल तत्व प्रधान है, इसलिए वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, कभी, है ना, पेट्रोलियम वो भी, या कुछ और करें आप लिक्विड जो भी बोल, मतलब जल तत्व प्रधान है। और ईंट जो है कहते ठोस है, फिर भी उसमें जल तत्व है किंचित मात्रा में, बहुत ही कम, माने हर चीज सृष्टि में जितनी भी है वो इन 5 तत्वों से ही आगे जाकर के बनेगी। और फिर पांचवें नंबर पर क्या है अपना, पृथ्वी तत्व, पांचवें पर, है ना, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व सबसे बाद में उत्पन्न हुआ, जो कि प्रतीक किसका है, अर्थ का नहीं है, हमारे पृथ्वी प्लेनेट का नहीं है, पृथ्वी मतलब जो ठोस चीजें होती है, सॉलिड का प्रतीक है, सॉलिड का, है ना, सॉलिड स्टेट जो भी है, किसी भी चीज में सॉलिडपन होता है, एक हल्का सा मतलब अपना एक शेप होती है उसकी, कोई शेप प्रदान करती है किसी भी चीज को, हर चीज सॉलिड जो भी है, चाहे वो मंगल ग्रह पर जाकर के हम चट्टानों को, चाहे बृहस्पति पर जाए, है ना, चाहे सूर्य के अंदर क्रोड को देखे, सबसे अंदर वाली लेयर को सूर्य की, किसी भी चीज में सॉलिड स्टेट का जो भी हमें ज्ञान करवाती है, मतलब उसके कारण हम सोचते हैं कि इसमें पृथ्वी तत्व भी है। ये तो हुए तत्वों की विशेषताएं मुख्य रूप से समझाने के अर्थों में आपको, ठीक है, तो इनको समझना है, रटना नहीं मारना है भाई, है ना, तो समझेंगे इनको ज्ञान पूर्वक। तो पांच तत्वों का क्रम याद हो गया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछा जाता है पहली ही बार में, कहते हैं कि ये बताइए कि पंच तत्वों का उत्पत्ति क्रम क्या है, आप किसी भी ग्रंथ के अनुसार पढ़ लेना इसको, पंच तत्वों का उत्पत्ति क्रम हमेशा ही सेम रहेगा, आप सबसे पहले आकाश ही पैदा होगा, है ना, और फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, यही क्रम रहेगा, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा पांचों तत्वों में, ये आप क्लियर याद रखेंगे, कोई भी ग्रंथ चाहे आपके सिलेबस में चाहे नहीं है, ठीक है दिशांत जी, सभी के सभी पांचों तत्वों का यही क्रम रहेगा, सृष्टि की जी सर, पैदा, थैंक यू सर। ओके दिशांत जी, मतलब धारणा धारणा आकाश का वायु उत्पत्ति क्रम, अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हुए। फिर अब इनकी तन्मात्राएं होती है, 5 तन्मात्राएं, ठीक है, सर ये हर तत्व में अन्य 4 तत्व भी होते हैं ना, पर प्रधानता जिसकी होती है उसी को मानते हैं। हो वाह क्या बात है दिशांत जी, बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपकी, है ना, चलो वो भी जी सर। चर्चा करेंगे हम, ठीक है, ओके।
तो अब आपसे यहां से केवल इतनी चीज से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कहते उत्पत्ति के अनुसार पांचों तत्वों का क्रम बताएं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हो गया। या ये पूछ लेंगे सूक्ष्म से स्थूल की तरफ तत्वों को रखें, तो सूक्ष्म जो होता है सबसे पहले आता है, स्थूल बाद में आता है। मैंने पहले दिन बता दिया था कि सृष्टि जो होती है प्रारंभ अगर इसका देखे तो हमेशा ही सूक्ष्म से होता है इसका, सृष्टि का पूरी पूरी सृष्टि का सूक्ष्म से। धीरे धीरे जैसे जैसे ये दृश्य में आती है, स्थूलता में बदलती है, तो ये तमोगुण प्रभावी होती जाती है ना, हर चीज तमोगुण में आती जाती है, माने स्थूलता में आती जाती है। तो सूक्ष्म सबसे पहले आकाश है, सबसे पहले जो पैदा हुआ, और स्थूल जो है पृथ्वी, ये पांच तत्व है। फिर है तन्मात्राएं, आकाश की तन्मात्रा शब्द बोलते हैं, है ना। वायु जो होती है एयर, इसकी तन्मात्रा क्या होती है, वायु को कैसे फील करते हैं आप, हमेशा ही आंखें बंद है, कान बंद है, तो भी आपको वायु फील हो जाती है, किससे, टच से, मतलब स्पर्श के माध्यम से, ठीक है। अग्नि जो होती है हमेशा ही रूप बदलती है चीजों का, किसी भी चीज का अगर आपको कन्वर्ट करना है कोई भी रूप, है ना, तो आप अग्नि के माध्यम से इजिली कर सकते हैं, अग्नि की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हजारों साल पहले कह रहे थे ना, सरिता जी पिछली बार बता रहे थे, कहते हजारों साल पहले है ना सर, इस पृथ्वी पर मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं बुक में, पढ़ लिया वो सरिता जी, पढ़ते तो बहुत है, तो कहते हजारों साल पहले पृथ्वी पर कहते बहुत ज्यादा जंगल थे, और वो पृथ्वी पर वो आई आंधी तूफान, और वो पृथ्वी के नीचे चले गए, ऊपर मिट्टी पड़ गई। अच्छा फिर कहते फिर क्या हुआ कि जो कोयला था बना, मतलब जो नीचे दब गए, और दबने से क्या हुआ उन पर दबाव पड़ा, पेड़ों पर, जानवरों पर, तो उन पर क्या हुआ प्रेशर पड़ा, और इतना प्रेशर पड़ा कि वो अंदर ही अंदर भुन गए, मतलब गर्मी बढ़ गई उनमें, और वो कोयले के रूप में बदल गए। और भी जो ज्यादा लंबे टाइम तक रखे रह गए वो कोयला, वो कभी कभी पेट्रोलियम में बदल गया, है ना, तो कोयला कोयले से पेट्रोलियम ऐसे ऐसे बदलता गया, हर एलिमेंट बन गए कहता चीजों से, तो दबाव के कारण मतलब गर्मी के कारण, है ना, रूप चेंज हो जाता है। ऐसे कहते हम बड़ी बड़ी चट्टानों से लोहा कैसे निकालते हैं, मैग्नेटाइट हेमेटाइट की जो चट्टाने होती है उनसे कैसे निकालते हैं, उनको लाते हैं बड़े से पतीली में डाल देते हैं, ठीक है, गैस को ऑन कर देते हैं, वो चट्टान का जो कहते हैं लोहे वाला पार्ट होता है वो पिघल जाता है, और मिट्टी जो होती है नहीं पिघलती, तो लोहे को कन्वर्ट दूसरी साइड डाल लेते हैं, तो माने रूप बदल देते हैं, अग्नि की सहायता से रूप बदलता है। रोटी हम खाते हैं, चपाती खा रहे हैं, है ना, उसको दांतों से चबाया और पेट में ले गई, पेट में ले जाने के बाद में उससे हमारा हाथ भी बन गया, हमारा मुंह बन गया, हमारी ग्लोइंग स्किन बन गई, है ना, ब्लड बन गया, सब कुछ बन गया। कैसे हुआ कि हमारे पेट में अग्नि थी जो जला रही, वो नहीं जठर अग्नि वो वाली, है ना, रस अग्नि, रक्त अग्नि, 13 प्रकार की अग्नि है ना, कहते वो अग्नि थी किसी ना किसी रूप में। तो अब अग्नि अगर वही होती केवल, है ना, जो दिशांत जी कह रहे थे सर जो जलाने वाली फायर क्या, है ना, केवल वही होती तो फिर हमारा शरीर जल जाता अंदर से, पर जलता तो नहीं, मतलब अग्नि मीन्स जो कन्वर्ट कर रही है, रूप को चेंज कर रही है, ठीक है, हर चीज उसकी खासियत यही है मेन, हर चीज की, लकड़ी को चेंज कर देती है अग्नि, राख में बदल देती है, है ना। तो ये सारा का सारा रूप तन्मात्रा किसकी होगी, अग्नि से। जल जो होता है, जल तत्व के कारण ही हमें स्वाद आता है किसी चीज का, माने रस जो है इसकी तन्मात्रा है। टेस्ट जब भी आएगा हमें जल के, जितनी चीजों में रस कम होता जाएगा, जल तत्व कम होगा, टेस्ट उसका कम आता है हमें, है ना। ईंट में टेस्ट बिल्कुल कम आएगा अपने को, पत्थर में और भी कम आएगा, परंतु नींबू में जल तत्व ज्यादा है तो ज्यादा आता है ना। तो जल तत्व जो है रस का प्रतीक है। और पृथ्वी जो है गंधवती पृथ्वी, गंध उठती है पृथ्वी में से, हमेशा ही ठोस चीजें उनमें से गंध आती है, मीडियम वायु रहती है, गुलाब के फूल से सुगंध आ रही है आपको, है ना, सुगंध अथवा दुर्गंध, नाली में से सुगंध दुर्गंध आती है, गुलाब में से सुगंध, दोनों ही किसी ना किसी ठोस पार्टिकल से आ रही है। नाली में क्या है, गंदगी है, सॉलिड स्टेट में है ना, फूल के गुलाब का फूल है पृथ्वी तत्व प्रधान है, वहां से गंध उठ रही है, मीडियम उसका एयर है, ना माध्यम एयर है, परंतु गंध कहां से आ रही है, दोनों ही स्टेट में, कुत्ता कोई मरा हुआ है, जानवर आदि मरा हुआ है सड़क के किनारे, आप जहां से गुजरते हैं एकदम से बदबू आती है, तो माने वो क्यों आ रही है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में से आ रही है, माने पृथ्वी तत्व गंध का प्रतीक है, तन्मात्रा गंध है, ठीक है। तो इन पांचों की, पांच तत्व पांचों की तन्मात्रा, ये मिलान करना आ जाता है काफी बार, तो ये भी याद रख लेंगे किसकी तन्मात्रा है। अब ये पांचों तन्मात्राएं, पांचों तन्मात्राएं, पांच ज्ञान इंद्रियों की जब बात करते हैं, पंच ज्ञान इंद्रियों की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में मिलकर ये क्या कहलाते हैं, विषय कहलाते हैं ये पांचों पांचों। तो अब पांच ज्ञान इंद्रिया आपको पता होगा, आंख कान नाक, है ना, आदि। तो शब्द जो होता है किससे सुनाई देता है, कान से सुनाई देता है, माने कान का विषय क्या हुआ, कर्ण बोल देते हैं हम जिसको ज्ञान इंद्रिय के रूप में, है ना। शब्द स्पर्श की तन्मात्रा किसकी है, वायु की, और किससे होता है हमें ज्ञान इंद्रिय के रूप में, जो आपकी त्वचा है, स्किन जिसको बोलते हैं, उससे होता है। रूप जो होती है वो किससे दिखता है, आंख से, है ना, आंख ज्ञान इंद्रिय का प्रतीक है। रस जो है, टेस्ट जो आना है वो कहां से है, रस जो आता है आपकी जिह्वा से आता है, जीभ से है जुड़ी हुई। गंध जो है मतलब नासिका,
ना, गंध जो होती है नासिका से आती है, चाहे उस अच्छी हो या बुरी हो। अब नासिका को और वर्ड यूज करते हैं, उसको जानना चाहिए। बाकियों के लिए तो सेम वर्ड है, कान को कर्ण बोल दिया, त्वचा को त्वक बोल दिया, आंख को चक्षु बोल दिया, जीभ को जिह्वा बोल दिया, नासिका को घ्राण बोल दिया। बहुत ही बढ़िया पूजा जी, बहुत ही बढ़िया। आप वास्तव में बहुत तेजस्वी हैं, है ना। ऐसी नारियों की, नारी शक्ति की हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है ना। कान को कर्ण, है ना, त्वचा को त्वक, आंख को चक्षु, ये नाम पता होना चाहिए संस्कृत वाले, क्योंकि आपसे ज्यादा एग्जामिनर ये इसी लेवल पर खेलता है। वो या तो हिंदी में लिख देगा या इंग्लिश संस्कृत में लिख देगा, है ना। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी स्पेशल बोल रहा हूँ, कई बार एग्जामिनर चक्षु को चक्षु ही लिख देगा, CHAKSHU करो भाई, है ना। तो वो आई के चक्कर में ना रहे, EYE लिखेगा, हो सकता है चक्षु भी लिख दे, तो आपको तैयार रहना उसके लिए। जिह्वा, जीव को जिह्वा बोलते हैं संस्कृत में, और नासिका को घ्राण। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये आपको अब ध्यान रखना है। आकाश, पांच तत्व, पांच तन्मात्राएं और पांच ज्ञान इंद्रियां, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। काफी बार यहां से प्रश्न आते हैं, बहुत बार आए, काफी बार मतलब हर बार एक बार एग्जाम में आ जाता है, हर बार आ जाता है किसी न किसी रूप में। और ये मुख्य चीज है, हमें शास्त्रों के अनुसार ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। अगर आप योग कर रहे हैं ना कर रहे हैं तो भी पता होनी चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, क्योंकि हमारे दादा दादी आदि हमें बताते थे, पिताजी आदि बातें करते थे ऐसे हमारे साथ, है ना, कि पंच महाभूत होते हैं भी, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो वो अब पढ़ते तो अजीब लगता है, अरे तेरी तो पूरे शास्त्रों का ज्ञान था है। तो ऐसे है ना, तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें करिए, अच्छी बातें हैं, बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो पांच तत्व, पांच तन्मात्रा, पांच ज्ञान इंद्रियां हो गई। जब ये पांच, ये जो पांचों चीजें दिख रही हैं आपको, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जब महाभूतों के साथ में होती है तब क्या कहलाती है, तन्मात्रा कहलाती है, तन्मात्राएं। ठीक है, जब ये पांचों चीजें इंद्रियों के साथ में आ जाती है, माने ज्ञान इंद्रियों के साथ में आ जाती है, तब क्या कहलाते हैं, ज्ञान इंद्रियों की विषय, है ना, या अर्थ बोल देते हैं उसको, विषयों को, तब ये कहलाती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांचों ही मतलब एक व्यक्ति अपने पिता के लिए क्या है, बेटा है, और वही अपने बच्चे के लिए क्या है, बाप है। एक ही व्यक्ति मतलब पिता और पुत्र दोनों की भूमिका में होता है, एक ही व्यक्ति। तो ऐसे ही ये पांचों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये पांचों के पांचों एक के लिए तो तन्मात्रा है महाभूतों के लिए, और इधर इनके लिए ज्ञानेंद्रियों के लिए क्या है, ये विषय है। ठीक है, अब हमारे शरीर में पांच उंगलियां भी होती है, ठीक है, उंगलियां होती है ना, आर्य योगा जी को पता है, सतीश आर्य जी बहुत अच्छे से के मतलब जबरदस्त कंट्रोल है इनका, बहुत अच्छा नॉलेज है इस बारे में, है ना। और योगा प्रैक्टिकल क्लासेस भी देते हैं, किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा भाई, है ना। सरिता जी अगर आपको क्लासेस चाहिए, बहुत अच्छी क्लासेस लेते हैं आर्या योगा जी और सतीश आर्या जी, बता दीजिएगा। ठीक है, तो हाँ, तो सरिता जी को ये भी नहीं पता है ना उंगली कितनी होती है, उंगली पूरे, पूजा जी को पता है 16 उंगलियां होती है हमारे पूरे शरीर में, है ना, 4 उंगलियां। सरिता जी ये भी नहीं पता, कब बड़े हो गए आप, हैं, उम्र से, दिमाग से। ठीक है सरिता जी, आ जाओ फिर इधर आते हैं। तो अब हम इधर देख रहे हैं, तो 4 उंगलियां और एक अंगूठा आदरणीय सरिता जी के अनुसार, चलो वैसे ही हम पढ़ा देते हैं सरिता जी, कोई बात नहीं, है ना। तो अब यहां पर हम यही देखेंगे कि सबसे बड़ा तत्व कौन सा है इनमें से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। आकाश जो है सबसे बड़ा तत्व है, क्यों है, क्योंकि यही तो खाली स्थान है, कमरा सबसे बड़ा चीज होगा, कमरे के अंदर आने वाली चीजें कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, कमरे से, कमरे के जो अंदर जाएगी वो बड़ी नहीं हो सकती। आकाश तत्व जो है खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, सभी को स्पेस देता है, वायु को भी, अग्नि को भी, जल को भी, पृथ्वी को भी, और जो भी बाकी दृश्यमान चीजें होती है जिनको हम देख सकते हैं अभी आज के टाइम में, वो सारी चीजें कहां पर है, इनडायरेक्टली आकाश तत्व में है। तो आकाश तत्व सबसे बड़ा है। और अगर हम देखें पांचों, हमारी उंगलियां कौन सी बढ़िया, राखी जी कौन सी उंगली बढ़िया आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा ध्यान से, कौन सी उंगली बढ़िया है। सर मिडिल फिंगर, अच्छा ये किसने बोला, मध्यमा सर। राखी हाँ राखी जी, बहुत बढ़िया। राखी जी का कम्युनिकेशन सुन लेना भाई, देखो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा राखी जी का, है ना, मैं इनकी प्रशंसा करता था राखी जी हमेशा ही। तो ये हाथ बनाए टेढ़ा मेढ़ा सा ना, सरिता जी का हाथ लग रहा है मुझे। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी उंगली जो होती है अपनी मध्यमा होती है, मिडल में है, देखो ध्यान से देखो, सबसे बड़ी है ना मिडल वाली जो है ना, सबसे बड़ी है मिडल वाली। तो
आकाश तत्व सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है मिडिल फिंगर जो है ना, मिडिल फिंगर अथवा इसको मैं मध्यमा लिख दूं, हिंदी की चीजें हम हिंदी में समझे तो ज्यादा बेटर रहता है ना, इंग्लिश की चीजें इंग्लिश में करेंगे, मध्यमा आकाश तत्व के लिए। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो जो याद रखते हैं, जल तत्व के लिए बात करें है ना, तो वॉशरूम के लिए कौन सी उंगली इशारा करते होते हैं, वॉशरूम के लिए कनिष्ठ कनिष्ठ है ना, ये वाली यूज करते होते हैं है ना, सबसे ज्यादा लिटिल फिंगर बोलते हैं क्या इसको, सॉरी आदरणीय राखी जी लिटिल बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं इसको, लिटिल फिंगर सर। हाँ दिशांत जी पर इंडेक्स नहीं है सर, सॉरी 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 सर, दिशांत जी पर मैं विश्वास ही नहीं करता है ना, और आप सर लोग भी मत जल्दीबाजी करना, कर दी मैं आप सर। लोग भी मत करना ना, झूठ बोल जाते हैं अभी गलत करवा देते मेरा, लिटिल फिंगर सबसे ज्यादा ठीक है। तो जल यस सर तत्व कौन सा हुआ, लिटिल फिंगर, लिटिल को हम क्या बोलते थे, कनिष्ठ बोल देते हैं, या कनिष्ठा या कनिष्ठ बोल देते हैं ठीक है, ये हो गया। और अगर बात करें इसमें और क्या बताया जा सकता है आपको पहले, हाँ वायु के लिए ये दो तो उंगलियां आ गई, इन दो को छोड़ करके देखो आपकी उंगली सबसे ज्यादा मूव कौन सी हो रही है, मूवमेंट वायु का बताया था ना मैंने, मूवमेंट होता है गतिशील जो भी है हमारे शरीर संसार में वो वायु तत्व के कारण है, तो वायु तत्व के कारण क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और उंगलियों पांचों उठा देख लो या कोई भी देख लो आप, सारी की सारी मूवमेंट किसके कारण हो रही है, दिशांत जी लिटिल फिंगर वायु है, के कारण सर, वायु के कारण, और उंगली कौन सी है जो ज्यादा सबसे ज्यादा मूव कर रही है आपकी, इन दो की तो इंडेक्स हाँ इंडेक्स सर, इंडेक्स, हाँ इंडेक्स, अच्छा हाँ इंडेक्स इसी को बोलते हैं दिशांत जी, पढ़ लो कुछ दिशांत जी है, जल्दी कर दी थी जल्दी सर। करके है, इंडेक्स फिंगर जिसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, तर्जनी, ये थोड़े नाम भी याद रख लेना हिंदी वाले है ना ठीक है। अब क्या बचे बाकी के, अग्नि और पृथ्वी बचे, अग्नि जो होती है हमेशा ही अंगूठे को हम डिनोट करते हैं, माने वेल्डन का निशान दिखाते हैं ना, या ठेंगा दिखाते हैं है ना, वेल्डन भी दिखा देते हैं, माने दिखाते क्या है, अंगूठा दिखाते हैं, तो रूप जो है रूप मतलब दिखना, तो अंगूठा जो है अंगुष्ठ जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थंब, अंगुष्ठ है ना, अंगूठा अथवा अंगुष्ठ, तो अग्नि का हो गया। और पृथ्वी का कौन सी बची, एक उंगली बची जिसका हमें नाम नहीं पता है ना राखी जी, नाम नहीं पता ना इसका, राखी जी इसका क्या नाम है, इस उंगली का, थंब सर, इस उंगली का, अनामिका पृथ्वी, और पृथ्वी का अनामिका सर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, देखा राखी जी को नाम नहीं पता था ना, तो इसलिए इसको हम क्या दे देंगे, अनामिका दे देंगे है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिंग फिंगर नाम दे रहे हैं ठीक है, रिंग डलती है इसी में ठीक है। तो सरिता जी को पता होगा इसी में थी ना रिंग, सरिता जी उस टाइम याद है क्या, 20-25 साल पहले की वो घटना। सर जले तो नमक छिड़क रहे हैं, अभी भी होगी है ना, तो ठीक है, तो ये हो गए। अब इनको स्पष्ट रूप से आप साफ साफ देख लीजिए, क्या चीज करवाइए आपको, ये शिव संहिता में है ठीक है, ये चीज पांच तत्व है जिसमें आकाश जो है मध्यमा से रिलेटेड है हाथ में, और शब्द उसका तन्मात्रा अथवा विषय जो है कर्ण इंद्रिय के लिए, वायु जो है तर्जनी से, स्पर्श से त्वचा से रिलेटेड, अग्नि जो है अंगुष्ठ से, रूप से और चक्षु से संबंधित, जल जो होता है कनिष्ठा माने रस का प्रतीक है और जिह्वा से संबंधित है ज्ञान इंद्रिय में, पृथ्वी जो है अनामिका उंगली से, गंध और घ्राण से संबंधित है ठीक है। तो ये आपके पांच पांच रूपों में सारी चीजों का हमने करवा दिया, और ये शिव संहिता का विषय था ये, इसलिए मैंने ये चीज करवाई आपको ठीक है, और मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होगी, समझ में नहीं आ गई तो कोई बात नहीं है ना, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे यस सर, पूजा जी, जैसे आपने ये बताया तो तत्व की उत्पत्ति तो मतलब आप आकाश से होगा, जैसे आपने बताया ना ब्रह्मा जी के तेज अंश से ऐसे हाँ आकाश हाँ आया, हाँ हाँ पर जब हम वहां पे धारणा की बातें करते हैं मुद्रा में, तो हाँ वहां तो कोई उत्पत्ति क्रम तो नहीं होता ना, बट ना क्योंकि वो ना ना तो ना जैसे नहीं वहां पे नहीं धारणा का जो सीक्वेंस, हाँ वहां पे तो बस क्रम क्रम अगर हाँ सीक्वेंस में अगर मुद्राएं वगैरह बोलेंगे हाँ तो तब जैसे पार्थिवी, तो हाँ जैसे हाँ क्या हाँ कहते हाँ वो तो वैसे बोलेंगे, हैं, पृथ्वी से पार्थिवी होती है, अग्नि से आग्नेय होती है, वैश्वानरी जिसको बोलते हैं मैं ना, जल से आपसी, ऐसे ही वहां सीक्वेंस नहीं पूछेंगे आपसे, केवल बस हाँ मैंने मतलब ऐसे मैंने ही, मैंने जब हमने तत्व करवाए ना, तत्व जब हम कर रहे थे हाँ शुरुआत में, तब मैंने एक बात बोली थी शुरुआत में कि पांचों तत्वों का, जब मैंने शुरुआत में बताया था पांचों तत्वों का उत्पत्ति क्रम अगर हम देखें हठ योगिक टेक्स्ट में जो हमारे सिलेबस में है, उसमें से केवल शिव संहिता में हमें मिलता है उत्पत्ति क्रम, शिव संहिता उत्पत्ति का मतलब मैं बोलता हूं जैसे सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस जो है तत्वों की क्रम या तो शिव संहिता में दी गई है अच्छे से, या SSP सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दी गई है, दो ही टेक्स्ट है जो सिलेबस में है हठ योग के, हठ योग के है ना,
फिफ्थ यूनिट से, दो ही टेक्स्ट में है आपको पंचतत्व क्रम, तो यहीं पर है। और ये कहीं भी किसी भी ग्रंथ में हो सभी से ऐसे ही पूछा जाता है। इसके रिगार्डिंग जो दिशांत जी ने कुछ बात बताई वो हम कल बता देंगे, है ना। तो आज का समय भी हो चुका है, और प्रश्न पूछ लीजिए।